पापा वहाँ कोई है। राजू वहाँ कोई नहीं है, तू दिन भर हमें यूं ही पागल बनाता रहता है। चल अब घर, स्कूल का होमवर्क कर। आनी यानी मैं, बच्चों की दुनिया कितनी अच्छी होती है ना, पर मेरी नहीं थी। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। पापा मुझे प्यार करते थे, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर मेरी कहानी और छोटी बच्चियों की तरह नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा ना तो मुझे बाहर घूमने ले जाया करते थे और ना ही मेरे लिए अच्छे कपड़े लाते थे। अनी, तुमसे किसने कहा ये ड्रेस पहनने के लिए? पापा, ये गुलाबी रंग की फ्रॉक कितनी अच्छी है, मैं इसे क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि तुम एक लड़की हो, सुंदर लड़की। उतारो इसे अभी। पापा का प्यार अब मेरे लिए दहशत बनता जा रहा था। दिन, महीने और साल बीत गए। अब मैं 11 साल की हो गई थी और अब हम एक नए घर में आ चुके थे जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। पापा ने मेरा स्कूल जाना पहले से ही बंद करवा दिया था। उस नए घर में मैं और मेरी माँ कैदी की तरह रहते थे, क्योंकि पापा रोज ऑफिस जाते वक्त बाहर से ताला लगा जाते थे और जब वो आते तभी ताला खुलता था। वो माँ को भी छोटी छोटी बातों पर बहुत मारते थे। एक दिन मैं बाहर खिड़की से देख रही थी, पापा ने मुझे जोर से खींचा और उस दिन मेरा हाथ गर्म चिमटे से जला दिया। ना तो हम टीवी देख सकते थे और ना ही बाहर जा सकते थे। हमें खिड़की से बाहर देखने की मनाही थी। उस दिन पापा की मार से मैं बहुत डर गई। पापा की दहशत दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद पापा हमेशा की तरह ऑफिस चले गए और मैंने देखा कि आज पापा बाहर से दरवाजा बंद करना भूल गए। अनी दरवाजे के पास जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। सारे बच्चे खेलकर चले जाते हैं, पर राजू अनी को देख लेता है और हंसता है। तभी अनी का पिता उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है और वहाँ राजू का पिता राजू को बुलाने आता है। पापा, वहाँ कोई है? राजू वहाँ कोई नहीं है, तू दिन भर हमें यूं ही पागल बनाता रहता है। चल अब घर, स्कूल का होमवर्क कर। पापा सॉरी, अब नहीं करूंगी। पापा बहुत दर्द हो रहा है। याद है जब तुमने खिड़की से देखा था और मैंने चिमटे से तुम्हारा हाथ जला दिया था? तुम शायद भूल गई हो। पापा बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना, बाहर बहुत गंदे लोग रहते हैं, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने कहा है तुमसे, बाहर भेड़िये रहते हैं, भेड़िये। अब मार पीट की आवाज आती है और माँ बचाने की कोशिश करती है तो अनी का पिता उसे जोर से धक्का देता है और उसका सिर दीवार से टकरा कर वो नीचे गिर के मर जाती है। खून बहने लगता है और वो कहता है, मैंने कहा है तुमसे बाहर भेड़िये रहते हैं, भेड़िये, पर तुम लोग तो मुझे ही भेड़िया समझते हो। पड़ोसी को बदबू आने लगती है, बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है डिसूजा साहब के घर से। गेट खटखटाते हैं तो कोई गेट नहीं खोलता, तब वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस डिसूजा को पकड़कर ले जाती है और आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता था कि डिसूजा सिर्फ अकेला रहता है। मुझे फिर ऑर्फनेज में भेज दिया गया। एक दिन ऑर्फनेज में बच्चों के लिए फंक्शन रखा गया, सबको नए कपड़े दिए गए पहनने को।
मुझे भी दी गई एक पिंक ड्रेस। मैंने मना किया था ना ये ड्रेस पहनने के लिए, कहा था ना बाहर भेड़िए रहते हैं, भेड़िए।